गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रमोद भटीजा। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली रियली ग्रेट एंड वेलकम बैक इन मुंबई। ऐसा लगता है कि जब दो तीन महीने हम कहीं बाहर जाते हैं ना, मतलब समझो कि यार मैंने हैदराबाद की सीरीज डाली, उसके बाद चंडीगढ़ शिमला की डाली। और अगर आपने ये सब वीडियोज़ नहीं देखा तो वो भी जाके देख लेना। ऐसा लगता है जब हम ये सीरीज करने जाते हैं तो मुंबई का फूड डेफिनेटली मिस करते हैं। इसलिए जब जब मैं कोई नई सिटी जाता हूँ, वहाँ खा पी के आता हूँ, तो वापस आके मुंबई के कुछ वीडियोस बनाना डेफिनेटली पसंद करता हूँ। अब आ चुके हैं मुंबई में कुछ लंबे गैप के बाद। चार महीनों में सिर्फ एक ही वीडियो बनाया था हम लोग ने, सिर्फ जवेरी बाजार का। उसके अलावा हम लोग ने मुंबई में कुछ भी नहीं बनाया है, तो ज़्यादा देरी की नहीं है। आज हम आ चुके हैं मुंबई के वेस्टर्न सबअर्ब्स में एक बहुत ही पॉपुलर लोकेलिटी को कवर करने, जिसको कहते हैं सैंटा क्रूज। अब सैंटा क्रूज बहुत ही पॉपुलर है काफ़ी चीज़ों की वजह से, शॉपिंग के वजह से। अगर आप ट्रैवल करना पसंद करते हो, अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हो, तो एयरपोर्ट भी आपको यहीं मिल जाता है, रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छे हैं, रेस्टोरेंट के साथ स्ट्रीट फूड भी यहाँ पे आपको बहुत सारा अच्छा मिल जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको टिपिकल मुंबई स्ट्रीट फूड दिखाऊंगा, जैसे कोई सैंडविच हो गई, कोई वड़ा पाव हो गई। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। अभी मैं खड़ा हूँ सैंटा क्रूज रेलवे स्टेशन वेस्ट के बगल में ही। पहली जगह यहीं से शुरुआत करने वाले हैं सैंडविच का, जो एक बहुत ही आइकॉनिक सैंडविच स्पॉट है सैंटा क्रूज में। और इन्होंने और भी बहुत सारे ब्रांचेस मुंबई में भी शुरू किए हैं। तो वो क्या है, क्यों इतनी स्पेशल है, क्यों इतने लोगों को यहाँ पे पसंद है, चलो चल के ट्राई करते हैं। स्ट्रीट फूड की शुरुआत कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी फ्रॉम दिस आइकॉनिक सैंडविच स्पॉट आउटसाइड सैंटा क्रूज स्टेशन वेस्ट ओनली। सैंडविच इस जगह का नाम है। एंड यू नो, ये एक स्टैंड अलोन सैंडविच ब्रांड है पूरे मुंबई में, जिसके मल्टीपल QSRs भी हैं, बट दिस इज़ वेयर दे एक्चुअली स्टार्टेड। इसको पहले स्वास्तिका सैंडविच कहा जाता था, नाउ इज कॉल्ड अ सैंडविच द वेयर दे सर्व ग्रेट वैरायटी ऑफ सैंडविचेस इन ग्रिल, टोस्ट एंड सिंपल सैंडविचेस एज वेल। बट यहाँ पे आपको जो प्राइजेस मिलेंगे थोड़ा अपस्केल मिलेंगे, बिकॉज ये अश्योर करते हैं कि इनकी क्वालिटी थोड़ी अपस्केल हो, काफ़ी अच्छी हो। यहाँ पे ढेर सारे लोग ऑलरेडी रुके हुए हैं, क्योंकि हम लोग मुंबई में शूट कर रहे हैं। मुंबई में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला ग्रिल सैंडविच इज अ वेज चीज ग्रिल ओनली, एंड सरप्राइजिंगली इनका वेज चीज ग्रिल सैंडविच ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वो मैंने यहाँ पे ले लिया है, ये देखिए, ये यहाँ पे वेज चीज ग्रिल सैंडविच है। और टिपिकल वेज चीज ग्रिल सैंडविच शुड हैव लाइक दिस ट्राइंगुलर बिग शेप ब्रेड, जिसके अंदर ढेर सारी स्टफिंग होती है। यहाँ पे दो चटनियाँ हैं, रेड चटनी, दिस इज अ ग्रीन चटनी। ये हम यहाँ पे एक पीस लेंगे एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। दिस इज लाइक अ टू लेयर सैंडविच, जिसमें फर्स्ट लेयर में ढेर सारी चीज है, वेजीज हैं हल्के से चॉप, ये देखो हल्का सा आलू, ये हम लेंगे इस चटनी के साथ। ओह, इट्स स्पाइसी, चीजी एंड एग्जैक्टली जो मैंने पढ़ा था ऑनलाइन कि इनकी वेज चीज सैंडविच इज एक्चुअली वेरी गुड। इट्स वन ऑफ दोज वेज चीज ग्रिल सैंडविचेज विच विल एक्चुअली इन्जॉय। द चटनी इज एक्चुअली क्वाइट स्पाइसी। ये ग्रिल सैंडविच ऊपर से बहुत अच्छे से ग्रिल किया हुआ है, लुक एट दैट ग्रिल के जो ब्राउन एक आपको कलर दिखता है ग्रिल करने बाद, वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। ब्रेड का टेक्सचर काफ़ी अच्छा है, क्रिस्पी है, हल्की सी सॉफ्ट है बीच से, अंदर ढेर सारी चीज़। इनफैक्ट व्हाट आई विल डू इज मैं आपको एक न्यू फ्रेश पीस दिखाऊंगा, जिसमें आपको समझ में आए कि कितनी सारी चीज़ डाली हुई है। देखो, लुक एट द अमाउंट ऑफ चीज़ इन हियर। ये फर्स्ट लेयर में चीज़ है, टोमेटोज हैं, ढेर सारी ग्रीन चटनी है एंड नीचे आलू, दैट्स इट। ये लोग और कुछ भी बीट रूट कुकुम्बर ऐसे डाल नहीं रहे हैं। एंड दिस वेरी गुड एंड डिलीशियस स्पाइसी ग्रीन चटनी, इट्स क्रिस्पी ऑन द आउटसाइड, स्पाइसी एंड सॉफ्ट ऑन द इनसाइड। व्हेनेवर आई शूट इन मुंबई, सैंडविचेस, वड़ा पाव इज समथिंग जो रहता ही है, इट्स लाइक इटर्नल। तो ये वीडियो में भी वो रहेगा ही, बट सैंडविच आर वेरी पॉपुलर, इट वॉज अ मस्ट ट्राई इन सैंटा क्रूज। सैंटा क्रूज में आते हो तो आपको ये चीज़ खानी चाहिए। इनके और भी बहुत सारे QSRs अब आ चुके हैं, मतलब इनके छोटे छोटे स्टोर सब बहुत जगह पे आ चुके हैं, थाने, चेंबूर, कांदिवली, बांद्रा, दादर, बट यहाँ से इन्होंने शुरू किया था एंड फॉर द राइट रीजंस दे आर प्रीटी गुड। इट इज़ फॉर 240 rupees, थोड़े प्राइजेस ऊपर हैं, बट द क्वालिटी ऑफ द सैंडविच इज एक्चुअली क्वाइट गुड।
नेक्स्ट अप, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बोला, थोड़े मुंबई स्टाइल डिशेस करेंगे आज, क्योंकि बहुत टाइम बाद मुंबई में वीडियो प्रॉपर वाला शूट कर रहे हैं स्ट्रीट पे। तो आ चुका हूँ एक ऐसी जगह खाने जो सेंटा क्रूज में रह के भी बहुत लोगों को नहीं पता है। इट्स कॉल्ड आशा पारेख वड़ा पाव। अब मैंने ओनर से बात किया, वो बता रहे थे कि ये इनका जो शॉप है ये 60 ईयर्स पुराना है। 60 ईयर्स से ये इनके फादर पहले यहाँ पे सेटअप करते थे, फिर 20-25 साल पहले उन्होंने ये शॉप दिया और तब से यहाँ पे वड़ा पाव बेच रहे हैं। इट्स अ वेरी पॉपुलर प्लेस टू हैव वड़ा पाव, मूंग भजी, मिर्ची वाले पकोड़े भी। एक भैया हमारे सामने तीन चार पैकेट ऐसे तीन चार पीसेस ले रहे थे। एंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अनलाइक अ टिपिकल मुंबई वड़ा पाव जहाँ पे आपको मोस्टली एक चटनी मिलती है, गीली वाली, सूखी वाली और एक कांदा मिलता है, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे इनके पास तीन चटनियाँ हैं, उन तीनों का एक पतला और एक मोटा वाला वर्जन वैसा आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे भी। ये इनकी वैरायटी है चटनी की, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे। और ये वड़ा पाव यहाँ पे पूरी चटनियों के साथ नहलाया गया है। एंड वड़ा रियली लाइक इस जो वड़ा है और जो पाव है, दोनों का रेशो सेम ही है, प्रॉपरली फिट हो रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे अगर आप ये वड़ा पाव देखोगे तो अंदर चटनियों की बारिश है। ये देखो, लुक एट द चटनीज। अगर आपको अपने वड़ा पाव में ढेर सारी चटनी पसंद है तो ये वड़ा पाव आपको अच्छा लगने के चांसेस भी ज़्यादा है, बिकॉज ये बहुत सारी चटनियाँ डालते हैं, एक रेड वाली, एक ग्रीन वाली, एक हल्की ब्राउन वाली, एंड में वापस उन्होंने ऊपर से टॉप किया था चटनियों के साथ। और वड़ा देखो, वड़े की साइज़ भी काफ़ी मोटी और बड़ी है। लेट्स ट्राई दिस। आई एम समवन हु डजंट लाइक इतना वाला गीला चटनी अपने वड़ा पाव में, बट दिस फॉर एन एक्सेप्शन इट्स वेरी गुड। ये देखिए द बेस्ट पार्ट, इसमें तीन जो चटनियाँ हैं ना, तीनों अलग अलग हैं। एक ग्रीन चिली और धनिया की जो चटनी है वो काफ़ी तीखी है। देन ये जो ऑरेंज आपको कलर दिख रहा है, ये इनकी गार्लिक वाली चटनी है। और एक हल्का यहाँ पे, ये देखो ब्राउन वाला, ये हल्का स्वीट चटनी है। तो स्वीट, स्पाइसी, गार्लिक की, इट्स अ गुड बैलेंस। आई फील ऑन द अदर हैंड इनकी जो ये गार्लिक वाली चटनी है ना, ये थोड़ी सॉल्टी भी है, विच ऑफकोर्स इज देयर ऑरेंज चटनी। और अंदर वड़े में और कोई मसाले नहीं है, देर इज़ ओनली ग्रीन चिली, धनिया। जो वड़े का बैटर है काफ़ी मोटा है, ये देखो काफ़ी मोटा बैटर है। आलू मैश भी है, चंक्स भी है, ढेर सारा धनिया, नो अनियन, नथिंग, नो सूखा चटनी, ओनली गीली चटनी। एंड पाव इज ऑल्सो फ्रेश, काफ़ी सॉफ्ट। बट ये काफ़ी अलग है बिकॉज इन्होंने अपनी चटनी के साथ थोड़ा इनोवेशन किया है, चटनियों के साथ इसको भर के डाला है। तो अगर आपको चटनियाँ पसंद है बहुत सारी अपने वड़ा पाव के साथ, यू मस्ट ट्राई दिस। वड़ा भी अच्छे से फ्राई किया हुआ है, नाइस बेसन का टेक्सचर एंड थोड़ा क्रिस्पीनेस, मस्ट है वड़ा पाव इन सेंटा क्रूज। आज की नेक्स्ट जगह जो हम लोग आ चुके हैं टू हैव अ गुड मील इस डायनेस्टी। मैंने इंस्टाग्राम पे एक्चुअली एक स्टोरी डाली थी जहाँ पे मैं लोगों से पूछ रहा था कि मैं सेंटा क्रूज में क्या क्या खा सकता हूँ। सो दैट आशा पारेख वड़ा पाव वॉज वन ऑफ दैट प्लेस, एंड दिस प्लेस डायनेस्टी इज ऑल्सो वन ऑफ दोज प्लेसेज जो मुझे इंस्टाग्राम पे रिकमेंड हुई थी। तो मैं आ चुका हूँ डायनेस्टी में। यहाँ का चाइनीज इज वेरी पॉपुलर, इट्स अ कंप्लीट एसी सीटिंग एंड हैज ग्रेट अमाउंट ऑफ वेरायटी। हमने एक्चुअली अपना फूड ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, वो क्या किया मैं आपको बताता हूँ, बट द वेरायटी इज फैंटास्टिक। देयर इज सी फूड ऑप्शंस, वी हैव सूप, starters which is in veg, chicken, and there is lamb, the main course, rice, noodles, there is so much to order. एंड हमारे ऑर्डर की बात करते हैं, हमने ऑर्डर किया अपने लिए चिली गार्लिक पनीर, एंड विद दैट वी हैव गॉन विद वेज फ्राइड राइस। एंड अगर आपको वीडियो देख के मजा आ रहा है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, एंड हम लोग 100K के टूवर्ड्स अब धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना प्लीज़ मत भूलेगा। इज़ अवर चिली गार्लिक पनीर विथ सम वेज फ्राइड राइस। अब यहाँ पे मुझे स्टाफ बता रहे थे यू हैव एन ऑप्शन वेर यू कैन कस्टमाइज, अगर आपको अपनी ग्रेवी में सिर्फ और सिर्फ पनीर चाहिए एंड नो वेजीज। नो दिस इज़ अ वेरी गुड पार्ट ऑफ द सर्विस, बिकॉज आई फील जब भी हम लोग कहीं भी बाहर खाते हैं चाइनीज़ में, बहुत जगहों पर लोगों को वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं है, एंड आई फील दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ऑफकोर्स मैंने अपने ग्रेवी में सारे वेजिटेबल्स डलवाए हैं, आप उनको बोलोगे हमको वेजीज नहीं चाहिए तो वो सारे वेजीज छोड़ देंगे, सिर्फ ग्रेवी और आपको पनीर डाल के देंगे, तो आप अपने राइस एंड नूडल्स के साथ एंजॉय कर सको। यहाँ पे वेज फ्राइड राइस विच हैज़ सम स्प्रिंग अनियंस, जस्ट अ वेरी स्मॉल क्यूब्स, लाइक वेरी स्मॉल क्यूब्स ऑफ कैरेट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। यहाँ पे हमारी चिली गार्लिक सॉस में पनीर है, चलो इसका एक ओ बाइट लिया जाए, इट्स वेरी सॉफ्ट, लुक एट दिस, इट वॉज वेरी सॉफ्ट। वेजीज में यहाँ पे हमारे पास है ब्रोकली एंड अ बिट ऑफ बेबी कॉर्न्स, इसको ऐसा लिया जाए। एंड नॉट टू फॉरगेट हमारे पास यहाँ पे तीन डिप्स भी हैं, वो कौन सी हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ।
पनीर वॉज लाइक अ क्लाउड, खाते ही इट्स लाइक मुँह में घुल गया। इसमें ना मुझे पहले बाइट में ना जो ब्रोकली डाली है वेजीज में वो इन सोया सॉस का बहुत ही डोमिनेंट टेस्ट आ रहा है, बहुत ही स्लाइट गार्लिक फ्लेवर, नथिंग डोमिनेंट, नथिंग ओवर पावरिंग, बट स्टिल वेरी सटल एंड वेरी नाइस। पनीर एक ऐसी चीज़ है जो मेरा दिल जीत रही है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये देखिए, पनीर का कलर एकदम ऐसा प्रॉपर वाइट जैसा दिख रहा है। अगर ग्रेवी दिखाऊंगा आपको, इट्स अ नाइस थिक ग्रेवी, इट्स लाइक काइंड ऑफ अ नाइस थिक ग्रेवी, इट्स नॉट सेमी थिक भी नहीं बोलूंगा, बट इट्स प्रॉपर थिक ग्रेवी। वेजीज में यहाँ पे यू हैव बेबी कॉर्न्स, ब्रोकलीज, दैट्स इट। और वेजीज चाहिए तो आप बोल सकते हो, मैंने सिर्फ ये तो बोली है, आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप वो भी उनको बोल दो। वन थिंग विच आई फील कुड हैव बीन अ बिट बेटर इज दैट द प्ले ऑफ स्पाइस, हल्का बोलते हैं ना, हल्का स्पाइस एंड नमक बेटर हो सकता था, विच कुड हैव मेड दिस एंटायर ग्रेवी अ 10 on 10। टॉकिंग अबाउट द राइस, दीज राइस आर अच्छे से खिले हुए राइस हैं। अगर आप राइस के दाने देखोगे ना, अच्छे से खिले हुए हैं। व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दीज राइस इज दैट जो राइस है उसमें इतने ज़्यादा वेजीज नहीं है, राइस को राइस जैसा ही रहने दिया है, ज़्यादा वेजीज नहीं डाले हुए हैं। तो वन वेरी गुड प्लस थिंग्स, एंड जो वेजीज डाले भी हुए हैं उनके बहुत छोटे छोटे ही क्यूब्स हैं, ओवर पावरिंग नहीं है। लेट्स ऐड सम सॉसेस, जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारा जो ग्रेवी है उसका स्पाइस थोड़ा बढ़ेगा। ये सॉसेस हैं यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे 3 sauces हैं, जिसे आई एम अज्यूमिंग इज देयर रेड टिपिकल थिक वाली शेजवान चटनी, दिस हैज अ लॉट ऑफ गार्लिक, ये इनकी ग्रीन चटनी है। आई विल टेक दिस वन व्हिच इज द नॉर्मल रेड शेजवान चटनी थिक। नाउ लेट्स टेक सम ऑफ दैट रेड शेजवान चटनी, एंड यहाँ पे चलो हम ये ग्रेवी ले लेंगे, एंड अब राइस के साथ खा के देखते हैं। लेट्स जस्ट सी इफ द स्पाइस थोड़ा चेंज होता है ये चटनी डालने से। ये जो चटनी हमने ली उससे स्पाइस नहीं आ रहा है, बट बहुत ही सटल सारनेस है विनेगर का। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आई विल गेट नाइस स्पाइसी चाइनीज हेयर, लेट मी टेल यू दैट्स नॉट गोइंग टू बी द केस, एटलीस्ट विद दिस चिली गार्लिक पनीर। अगर आपको स्पाइसी प्रिपरेशन चाहिए आप वो यहाँ पे बोल सकते हो। यहाँ का नॉनवेज भी इक्वली काफ़ी अच्छा है। Someone like me who likes their Chinese to be very subtle, not spicy, I enjoyed it honestly. अगर आपको spicy चाहिए tell them they'll make it on a spicier side. Overall both the dishes actually very good, you should try it yourself. नेक्स्ट अप हम लोग, जैसे मैंने आपको इंटरव्यू में बताया कि टिपिकल स्ट्रीट फूड मुंबई का वीडियो हम लोग आज बनाने वाले हैं। तो अगर हमने वड़ा पाव किया, सैंडविच किया, तो चाट भी होनी है। एंड यू नो सेंटाक्रूज में एक जगह है जहाँ पे आप एक बहुत ही डिलिशियस चाट खा सकते हो। एक छोटा सा हैंड कार्ट आता है सेंटाक्रूज वेस्ट में, SV रोड के अंदर वाली एक लेन में, विच इज़ कॉल्ड राम एंड श्याम चाट वाला। दे आर अपेरेंटली वेरी फेमस फॉर सर्विंग सम रियली गुड चाट आइटम्स। देर इज अ लॉट ऑफ वेराइटी वन इट कम्स टू द चाट आइटम्स। एंड मैं जो ओनर है उनसे बात कर रहा था, मैंने उनको बस पूछा कि यार व्हाट वुड यू रिकमेंड, ही सेड आप कुछ भी खाओ यहाँ पे हर एक चीज़ लोग इक्वली बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सेवपुरी का ही ऑर्डर दे दिया है, पतली फ्लैट वाली पूरी है जिसके ऊपर ढेर सारा अनियन, देन आलू, सेव, 2 से 3 टाइप की चटनी डाली गई थी, ढेर सारा ऊपर से धनिया है, एंड देर इज़ अ बिट ऑफ अनियन हेयर एज वेल। यहाँ पे हम लेंगे सेवपुरी का एक पेट। फ्लैट वाली सेवपुरी ऑलवेज टेस्ट बेटर देन द गोल वाली। जो सेवपुरी हल्की सॉल्टी है, हल्की खटास भी है, स्पाइस बहुत अच्छा है। देन इन्होंने एक ऑरेंज वाली चटनी डाली है जो हल्की सी गार्लिक की है, वो थोड़ा सॉल्ट ऐड कर रही है, ऊपर से उन्होंने मसाला भी डाला है। द गेम इज ऑल अबाउट दीज चटनीज, लुक एट दिस। यहाँ पे एक ब्राउन कलर की आपको दिखेगी, हल्की सी रेड, ग्रीन चटनी तो है ही है। व्हाट आई रियली लाइक इसको, इनकी पूरी है ना काफ़ी खस्ता एंड क्रिस्पी है। चटनी इतनी डालने के बाद भी पूरी एकदम क्रिस्प और क्रंच अपना होल्ड कर रही है। सेव भी सॉगी नहीं हुआ है। ऊपर गार्निशिंग पे देर इज कोरिएंडर, अनियन, एंड व्हाट आई ऑल्सो लाइक इज द क्वांटिटी इज ऑल्सो वेरी नाइस एंड डिसेंट। इट्स मेड फ्रेश इन फ्रंट ऑफ यू एंड इट टेस्ट इक्वली गुड। मुंबई की चाट की एक खास बात यह है कि उनकी जो चटनियाँ होती हैं वो गेम चेंजर होती हैं। अगर चटनी में वो फ्रेशनेस ना हो, अगर गार्लिक की चटनी में गार्लिक का फ्लेवर ना हो, कोरिएंडर की चटनी में कोरिएंडर ना हो, इट डजेंट गिव यू दैट फीलिंग। तो एक टिपिकल मुंबई स्टाइल चाट खाने के लिए ना आपकी चटनियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे पूरी कितनी भी क्रिस्पी हो, आलू कितना भी सॉफ्ट हो, सेव कितना भी क्रिस्पी हो, वो सब उतना मैटर नहीं करेगा अगर आपको चटनी में मज़ा नहीं आएगा तो। बट चटनियों की यहाँ बात करूँगा तो एक्चुअली काफ़ी अच्छी है। ऊपर से उन्होंने हल्का सा नींबू भी स्क्वीज किया था, गिव्स अ नाइस खटास। यहाँ ऊपर से हल्की सी उन्होंने कैरी, दैट इज ड्राई मैंगो भी डाला है।
आई लाइक ड्राई मैंगो एंड सेवपुरी ऊपर से. वेल दिस सेवपुरी इज एक्चुअली वेरी गुड. दोपहर को 3 बजे इनका शॉप लगता है, 3 बजे से बनाना चालू करते हैं. ये चाट की प्लेस आप डेफिनेटली अपने लिस्ट में जरूर डालना जब आप सेंटा क्रूज आओगे तो. चैनल पे एक चीज आपको हमेशा बोली है कि मुझे बेकरी का फूड खाना बहुत पसंद है एंड मुंबई इज होम टू सम ऑफ द बेस्ट बेकरीज. दैट साउथ बॉम्बे, इट्स वेस्टर्न, इट्स सेंट्रल, सबर्ब्स, हर जगह पे यू विल फाइंड सम रियली नाइस आइकॉनिक बेकरीज. एंड बेकरीज की एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आपको इंस्टीट्यूशंस मिलती हैं. लाइक यू विल फाइंड बेकरीज विच आर 100 years old, 120 years old, 70 years old, 80 years old, ऐसे बहुत पुरानी बेकरीज मिलती है. एंड सेंटा क्रूज ईस्ट की एक ऐसी बेकरी है जो एक बहुत ही छोटी सी गली में आती है, तो बहुत ही लोकल्स को ये चीज़ पता है कि ये बेकरी यहाँ पे कितनी अच्छी है. तो मैं फर्स्ट टाइम आ चुका हूँ ट्राई करने वियना बेकरी. अब ये बेकरी के बारे में मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था. शी टोल्ड मी दैट द मावा केक्स हियर, द पफ्स, द पेस्ट्रीज आर वेरी गुड एंड अपेरेंटली वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट दिस बेकरी. एंड शी रिकमेंडेड मी कि मैं यहाँ पे आके यहाँ के चिकन पफ्स, पेस्ट्रीज एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स ट्राई करूँ. साधा बेकरी कैसा होता है जिसमें बस कुछ आइटम्स होते हैं डिस्प्ले पे, कुछ पफ्स होते हैं, कुछ पैटीज होते हैं, वैसी वाइब आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलेगी. यहाँ पे मैंने अपने लिए एक मावा केक का पैकेट ले लिया है, एक चिकन पफ लिया है, एक छोटा सा चीज़ कॉर्न काइंड ऑफ एक पफ लिया है एंड आई हैव गॉन विद अ कैरमल पेस्ट्री. लुक एट दिस, ये है हमारा एक चिकन पफ. आई विल ओपन एंड शो यू के कैसा दिखता है. अच्छा खासा गर्म है, काफ़ी खस्ता एंड क्रिस्पी भी लग रहा है. चलो इसको ऐसा ओपन किया जाए. ओह वेरी नाइस, क्रिस्पी, खस्ता ये पफ है. ये देखो, व्हेनेवर अ पफ टेंस टू लूज इट्स क्रिस्पी एजेस फ्रॉम द आउटसाइड, समझ जाना कि बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता है. अब अंदर यहाँ पे स्टफिंग देख सकते हो जो आपको हल्की दिखेगी, हल्का सा चिकन कीमा दिख रहा है. द मेसियर द पफ द बेटर टेस्ट. ना ओ इट इज़ वेरी डिफरेंट. इट्स सो गुड दैट इट्स यू नो होना ही नहीं चाहिए इतना अच्छा. चिकन पफ्स मेरी वीकनेस है एंड ये मेरी वीकनेस बन चुका है. बट इट्स मेसी, लुक एट दिस. आप यहाँ बहुत मेस देखोगे बिकॉज दिस इज सो क्रिस्पी फ्लेकी एंड इफ आई जस्ट ओपन एंड शो यू कैन लुक एट दिस. योर ये ना अनियन में भुना हुआ चिकन मिंस है उसको इसके अंदर डाला हुआ है. तो दिस पफ यू नो फॉर अ चेंज इज जस्ट अ बिट स्वीट, हल्की सी स्वीटनेस है अनियंस में से, जो कैरमलाइज अनियंस का टेस्ट आता है. खड़े मसालों का भी फॉर सम रीजन टेस्ट आ रहा है, लाइक कार्डमोम कैसा होता है उसका बहुत ही हल्का स्लाइट टेस्ट आ रहा है. आप उसका कलर भी देखोगे ना एकदम ब्राउन है, और ब्राउन तभी होता है जब अनियन में इसको बहुत भुना गया हो. ये इनका वेज कॉर्न चीज़ पफ है. चलो अभी इसको देखते हैं क्या क्या है. ओह लुक एट दैट, इसके अंदर चीज़ है, कॉर्न है, हल्का सा ब्लैक पेपर की सीजनिंग. अगेन इवन दिस इज़ वेरी ऐसा फ्लेकी. डिस्क्लेमर, ये सब बहुत मेसी होगा बट बहुत ज़्यादा ही अच्छा है. इवन द वेज इज सो गुड. बेस्ट पार्ट हियर इन दिस वेज पफ द कॉर्न्स आर स्वीट, बहुत ब्लैक पेपर है, लाइक ब्लैक पेपर डोमिनेटेड है. ये देखो इसमें आप देखोगे ना हल्की सी मेल्टेड चीज़ है, कॉर्न्स है एंड ब्लैक पेपर, हल्का सा सॉल्ट, दैट्स इट, नथिंग एल्स. वेरी नाइसली बेक्ड, स्वीट, हल्का सा चीज़ी, हल्का सा सॉल्टी, वेरी गुड. नेक्स्ट अप दिस इज द बटर स्कॉच कैरमल पेस्ट्री. हल्के से बटर स्कॉच के यहाँ पे चंक्स हैं, ऊपर से कैरमल की सॉस है एंड थोड़ा क्रीम ऊपर से गार्निश किया हुआ है यहाँ पे. वो सो सॉफ्ट, जो बटर स्कॉच और कैरमल का जो ओवरऑल फ्लेवर एंड मिक्सचर है गोज वेरी वेल. डिसेंट स्वीट, नथिंग टू स्वीट, हल्का कैरमल का भी टेस्ट, हल्का बटर स्कॉच का भी टेस्ट. लुक एट दिस नाइस जूसी लेयर्स ऑफ दिस पेस्ट्री. व्हाट आई रियली लाइक हियर इज दैट कि इसको ना ओवर स्वीट नहीं किया है, इसकी लेयर्स भी ना बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, ड्राई नहीं है. ये देखो, नॉट एट ऑल ड्राई. अगेन अ वेरी गुड डिश हियर. नेक्स्ट अप इज गोइंग टू बी देयर मावा केक. वी हैड 6 pieces here. दिस इज रफली अराउंड 170 to 180 rupees. ये हम लोग साइड से रैप निकाल देंगे. ये हल्के येलोइश लग रहे हैं. लुक एट दिस. जो मावा है उसका इतना प्रेडोमिनेंट टेस्ट मुझे ऑनेस्टली नहीं आ रहा है, बट इट्स नाइस. जो भी मैंने केक आइटम्स खाया चाहे ये या वो, बोथ ऑफ देम आर सॉफ्ट. इसमें वनीला एसेंस का अच्छा खासा टेस्ट है बट मावे का टेस्ट उस लेवल का मुझे आ नहीं रहा है. इसमें आई फील इफ द मावा का टेस्ट वुड हैव बीन थोड़ा और एनहेंस या बेटर होता है, या मावा ज़्यादा डाला होता तो दिस वुड हैव बीन लाइक स्ट्रेट 10/10. ये थोड़ा मुझे ओके लगा. बट अगर आप बेकरी लवर हो, चिकन पफ, वेज चीज़ एंड कॉर्न पफ एंड दिस बटर स्कॉच पेस्ट्री हैज़ टू बी ऑन योर लिस्ट. इवन दिस यू कैन ट्राई, चाय के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा.
मास्टर क्रूज फूड टूर विथ हैविंग मटन सीख कबाब्स एंड चिकन बैदा रोटी। चिकन बैदा रोटी फिलहाल बन रही है, अंदर क्या था आपने मटन सीख कबाब देखा, मटन सीख कबाब, चिकन बैदा रोटी, चिकन टिक्का, सारी जो ग्रिल और तंदूर की जो आइटम्स हैं वो सब वहाँ पे बन रहे थे। एंड हमने यहाँ पे अपने लिए एक मटन सीख कबाब की प्लेट ले ली जिसमें 4 पीसेस है, पुदीने की चटनी है और कांदा है। ये देखिए यहाँ पे बैठ के आपको बाहर ही खाना पड़ेगा, टिपिकल स्ट्रीट स्टाइल। एंड यहाँ पे देयर इज दिस ग्रीन चटनी, ये लेंगे हम एक सीख कबाब यहाँ पे। ओ इट्स एब्सोल्यूट मेल्ट इन योर माउथ काइंड ऑफ अ मटन सीख कबाब, नो एफर्ट एट ऑल। लुक एट हाउ सॉफ्ट हाउ जूसी सीख कबाब इज, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, हल्का सा जीरा, इतना स्पाइस नहीं बोलूँगा बट डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पाइस इसमें मुझे बहुत अच्छा आ रहा है। मैं मटन कबाब या मटन ऐसा खाना पसंद नहीं करता, मैं चिकन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बट दीज सीख कबाब्स आर डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग, आई मस्ट से। मटन सीख कबाब से ब्रेक लेके हम लोग लेंगे चिकन बैदा रोटी, क्योंकि ये फिर ठंडा हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। चिकन बैदा रोटी बेसिकली मैदे की एक रोटी होती है जिसमें अंदर मिन्स चिकन की स्टफिंग होती है, उसमें अंडा डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके फिर बंद करके ऊपर से तवे में इसको काइंड ऑफ शैलो फ्राई बोल सकते हो वैसा किया जाता है। ये हैवी होता है, ये टिपिकल ऐसा काइंड ऑफ मुगलई प्रिपरेशन होती है, चटनी के साथ और प्याज के साथ दी जाती है। ये हम उसके ऊपर डाल देंगे, सो डिफिकल्ट टू चूज़ कि अगर सीख कबाब अच्छा है या चिकन बैदा रोटी। अंदर चिकन का टिक्का कैसे होता है, थोड़ी वैसी चिकन है, हल्के से चंक्स भी है बट काफ़ी मिंस्ड भी चिकन है, हल्का सा अंडा यहाँ पे आपको दिख रहा है। एंड ऊपर से जो रोटी है अच्छी खासी ऑयली है, हल्की क्रिस्प, हल्की सॉफ्ट, नथिंग टू मेजर बट गिव सच अ नाइस टेस्ट टेक्सचर। अंदर ग्रीन चिलीज नहीं है, स्पाइस एकदम हल्के मसालों से ही आ रहा है। एंड देयर चटनी इट्स सो गुड, आई कांट टेल यू द चटनी इज सो गुड। चटनी हल्की सी स्पाइसी है एंड प्याज के साथ ये परफेक्ट कॉम्बो है। नाइस चिकन बैदा रोटी, नो कंप्लेंट्स, विदाउट अ डाउट यू कैन ट्राई। ये पराठे के साथ हम क्या करेंगे, इसमें अंदर अंडा डाला हुआ है, ये हम लेंगे ये पराठा, उसमें डालेंगे ये हमारा मटन सीख कबाब, अनियंस भर के, एंड देन हम ये लेंगे ये ढेर सारा प्याज यहाँ पे। Fantastic. You won't be disappointed. Not even a single percent. So guys, that was it for this Santa Cruz street food video. I hope आप सभी को ये वीडियो देख के मज़ा आया। अगर आपको कोई recommendations है next time Santa Cruz part 2 बनाने के time हम क्या क्या चीज़ें करें और कोई feedback रहेगा आप definitely जाके comment section में comment कर सकते हो, मैं आपकी comments पढ़ूंगा। Instagram पे follow करना मत भूलना, कौन सी जगह कहाँ पे है वो सारी description में details मैंने डाल रखी है, तो ये वीडियो आप जरूर लाइक करिएगा। आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज ऑलवेज सेफ, पीस।